हेलो ऑल, मेरा नाम है अनीता वर्मा। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वंडर हैंड्स बाय अनीता वर्मा। आज हम बनाने जा रहे हैं इवनिंग स्नैक, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। हम जलाते हैं गैस, गैस पे रख लेंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 2 बोल पानी। एक और ये दो, इसमें हमने डाल दिया 2 बोल पानी। पानी थोड़ा बॉयल हो जाए, बॉयल क्या हो जाए, गर्म हो जाए अच्छे से। पानी गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे 1 बोल सूजी। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसको चलाते रहना जल्दी। और इसमें डाल देंगे 1 स्पून तेल। तेल 1 टेबल स्पून डालना है बस, और इसको पका लेना है थोड़ा मीडियम फ्लेम पे। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, इसको बनने में बस 2-3 मिनट लगते हैं ये पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो गया, थोड़ा इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब रखते हैं दूसरी कढ़ाई, इसके लिए फिलिंग तैयार करनी है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को ऐसे थोड़ा फैला के डालेंगे। ऑयल हो गया, इसमें डाल देंगे जीरा और डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, बहुत छोटी छोटी कटी हुई गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च। इसको पकाना नहीं है, इसे हल्का सा सॉटी कर लेंगे बस, क्योंकि ये थोड़ा क्रंची सा इसका टेस्ट आना चाहिए। ये हो गया, इसमें डाल देंगे बॉयल्ड मटर थोड़ी सी। इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे जिससे ये थोड़े से बॉयल्ड है, इसे मैश हो जाएंगे। इसको हल्का सा मैश कर देना है। इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए मैश करके आलू, हाथ से ऐसे मैश कर लेंगे थोड़ा। ये हो गए आलू, इसको अच्छे से मैश कर देंगे। ये नाश्ता हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। बच्चे ऐसे सब्जियां नहीं खाते, तो इसी सब तरीके से बच्चों को सब्जियां खिलाई जा सकती हैं। इसमें डाल देंगे ये हमारा मसाला नमक, जो हमारा स्पेशल नमक है, थोड़ा सा सादा नमक, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमने उसमें भी डाल रखा है पहले सूजी में। और थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला। और डाल देंगे थोड़ी हरी धनिया कटी हुई। तो ये हमारे आलू तैयार हो गए हैं सब्जियों के साथ। तो चलिए अब हम करते हैं दूसरी तैयारी, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये हमने कढ़ाई में से इसमें निकाल लिया है, ये अभी थोड़ा सा गुनगुना है। इसमें डाल देते हैं 1/2 बोल मैदा, जिससे हमने सूजी नापी थी उसी से इसको भी नापना है। अब इसको गूंद लेंगे आटे की तरह, अभी हल्का सा ये गुनगुना है, गर्म रहेगा तभी अच्छे से गूंद जाएगा। अभी गर्म है इससे थोड़ा सा वैसे लगेगा सॉफ्ट सॉफ्ट, थोड़ी देर में ठंडा होने पे हल्का सा अभी टाइट हो जाएगा ये। अगर ये थोड़ा गीला लगे तो इसमें आप थोड़ा मैदा मिला सकते हो। ये थोड़ा सा मुझे गीला सा लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैदा इसमें मिला लिया है 1 चम्मच। ये हो गया है, इसको रख देते हैं एक साइड में। अब ये फीलिंग निकाल लेते हैं। ये फीलिंग भी हमारी ठंडी हो गई है,
इसको ठंडा कर लेना है। और ये भी ठंडा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसकी लोई ऐसे काट लेते हैं थोड़ी सी। इसका शेप आप जैसे भी देना चाहो ना आप दे सकते हो। इसको बेलूंगी नहीं, हाथ से ही ऐसे बनाऊंगी, थोड़े हाथ से थोड़े पतले करने ने। और फिर इसमें फिलिंग थोड़ी सी भर देंगे और ये दबा देंगे ऐसे। ये गुजिया शेप इसलिए मैंने दिया, होली आने वाली है ना, मीठी मीठी गुजिया तो सब खाएंगे, ये थोड़ी नमकीन गुजिया हो जाएगी। ऐसे बना के रख लेंगे, ये अभी मैं थोड़े से बना के रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ उसको फ्राई करते हैं। गैस जला लेते हैं, इसमें डाल देंगे ऑयल। अब इसको डीप फ्राई करना है। तो ये डाल दिया हमने ऑयल, ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें डालेंगे। ऑयल को कुछ भी फ्राई करते समय ना थोड़ा सा पहले कुछ डाल के चेक कर लेना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया है जो इसका आटा बनाया था। ऑयल हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके धीरे धीरे डाल देते हैं। बहुत सारे एक साथ नहीं डाल देना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं, थोड़ा जब ये हो जाए तब इसको पलटेंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको ब्राउन होने तक सेक लेंगे। चलो तो ये हो गए हमारे सुपर टेस्टी नमकीन गुजिया। ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram पे फॉलो करें। थैंक यू।